Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IES, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affair series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके फुपूशीमा डाइची न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर के बारे में नॉट एज सच द डिजास्टर बट उसके बाद में जो करंट डेवलपमेंट है उसके अंदर दैट इज की जो आपका कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर है वो अब जो जापान है उसको पैसिफिक ओशन के अंदर रिलीज कर रहा है राइट right? सो so इसका विरोध हो रहा है इसकी ऑपोजिशन हो रही है फ्रॉम टू वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं, बट टू कंट्रीज जो न्यूज में है दैट इज साउथ कोरिया जहां पे जो आपके सॉल्ट के सी सॉल्ट के प्राइसेस हैं वो 25 इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी है उन्होंने इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया सी सॉल्ट और चाइना भी साथ में बोल रहे हैं कि हमारी फिशरीज को नुकसान पहुंचेगा तो ये दो कंट्रीज का विरोध कर रही है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और अगले पांच मिनट के अंदर अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज की कंटेमिनेशन कैसे हुआ फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है राइट right? और फुकुशीमा डिजास्टर अपने आप में है क्या थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं यूपीएससी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जो मैं पढ़ाने वाला हूं इससे ही आएगा इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन इसके अंदर नहीं मिलेगा खासकर आपके प्रिलिम्स के अंदर राइट right? मेंस के अंदर इसके जो टॉपिक एक्टिवेट होता है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में जो एक पूरा टॉपिक है मेंस में वो एक्टिवेट हो जाता है हमने क्लास में उसके बारे में डिस्कस किया था आप क्लास भी चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल के ऊपर आपको हमारी जो है वीकली क्लासेस भी मिल जाएंगी फुकुशिमा वाटर इशू क्या हुआ था 2011 के अंदर यहाँ पे एक अर्थ को जो रेडियो मेल्टाउन हो गया था आपके फुकुशिमा रिएक्टर के अंदर बहुत ब्रीफली मैं आपको 30 में बताता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है इसमें जो वाटर फ्लो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है राइट आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे करके दोबारा भी सुन सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ या वीडियो स्लो करके भी सुन सकते हैं आई एल जस्ट की टेलिंग और थर्टी अंदर आई टेल यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बच्चे टर्बाइन को घुमाने गुमा, के लिए आपको स्टीम चाहिए तो स्टीम कहां से 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 बनती है आपकी यहां से, यहां से आपकी यहां यहां आपके न्यूक्लियर कोर के थ्रू जो हीट जनरेट होती है तो यहां 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 से यहां से से जो वाटर वाटर सर्कुलेट होता है आया गया और उसके बाद में टर्बाइन के थ्रू टर्बाइन घूमी उसको हम कंडेंस करते हैं और ये वापस सेम वाटर जो है सर्कुलेशन में रहता है ये हैवी वाटर होता है बच्चे जिसके अंदर ट्रीटीएम पाया जाता है इसको कंडेंस करने के लिए वी यूज नॉर्मल वाटर किसी भी स्ट्रीम से बाहर से राइट तो जब न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ तो ये वाले वाटर जो है वो आपस में मिक्सअप हो गए और को पानी से निकालना बहुत मुश्किल होता है राइट चलिए आगे चलते हैं ये हुआ था कंसर्न किसने रेज किया साउथ कोरिया ने जहां पे जिसमें आपको बता रहा था अभी वहां पे 27 प्राइस सर्ज हो गया है आपका सी सॉल्ट के अंदर एट्रीब्यूटेड टू दिस पर्टिकुलर आपका जो डिजास्टर है पूरा पूरा इसको धन्यवाद जाता है कि ये वहां पे ऐसे हो रहा है राइट इसके अलावा चाइना ने भी क्रिटिसाइज किया है जापान को हालांकि जापान एक साथ में नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो हमारी है एसोसिएशन जो है हमारी आई ए राइट उन्होंने कहा है कि एक प्रिंसिपल होता है कि अगर आप एक किसी किसी भी पॉल्यूटेंट को एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे ले जाते हो मतलब उसको इतना डाइल्यूट कर देते हो तो वो पॉल्यूटेंट नहीं रहता तो आई ए ने इसको हरी झंडी दे रखी है प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कीप दैट इन माइंड है ना कि ऐसा नहीं है कि जापान वर्ल्ड के खिलाफ जाके कर रहे आई ए जिसका काम है न्यूक्लियर सेफ्टी को प्रमोट करना और न्यूक्लियर एनर्जी को पॉजिटिव तरीकों से यूज करने के लिए उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है तो उन्होंने हरी झंडी दे रखी है इस प्रोजेक्ट को है ना क्यों रिलीज कर रहे हैं अब सबसे इकलौता पॉइंट यही है कि स्टोरेज कंस्टेंट है इतनी भारी मात्रा में आप पानी स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते जापान बोल रहे है कि मेरी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है है ना अब मैं इसके बाद इसको स्टोर नहीं कर सकता राइट दूसरा रोज वहां पे 170 सेवेंटी टन ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड है जो बाहर से आता है एक्सटर्नल वाटर आता है ये वाला राइट फ्रॉम इंटेक और रिवर और वो तो ये वाला भी कूलिंग वाटर जो वहां पे है रोज इतना रिक्वायर्ड है तो आप जो है पहले वाले को इतनी देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट है बच्चे राइट right? एक आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वन आपका ए एल पी एल एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम प्रेजेंट राइट uh, नाउ right जो कि आपके वाटर को प्योरीफाई कर सकता है लेकिन इसका एक ही कंस्ट ये वहां पे यूज uh, हो रहा है ये सारे रेडियप वेस्ट को निकाल देता है वाटर से एक्सेप्ट फॉर ट्रीटियम बिकॉज ट्रीटियम बिहेव वेरी क्लोजली एज वाटर तो जिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आपका एच टू वो क्रॉस हो जाता है राइट सो दैट इज वाई और एडवांस सिस्टम है पढ़ जरूर लें हम लोग क्लास कवर करवाते हैं वहां पर कवर हुआ भी है, कि है क्या राइट right? बिकॉज uh, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा कंस्टेंटेट था यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा इसके ऊपर राइट ए एल पी एस यूज होता है अब ये प्री के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच सिस्टम इज यूज फॉर ट्रीटिंग आउट दी रेडियो एक्टिव वेस्ट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना तो दिस इज द सिस्टम एएलपीएल राइट सब कुछ निकालता है एक्सेप्ट फॉर 3टीएम राइट ये इशू है रिलीज प्रोसेस जापान ने बोला है कि इसको धीरे-धीरे फ्लश आउट करेगा राइट एंड इन द नेक्स्ट 30 इयर्स 30 साल के अंदर ये उसको धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके पैसिफिक ओशियन के अंदर रिलीज करेगा फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन

Please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.